स्पेक्टेटर्स वेलकम बैक। तो इस मैच में हम उतरे थे मतलब जॉर्जो पूल सिटी में। पता नहीं यार, मैं इससे पहले कभी उतरा तो हूँ नहीं जॉर्जो पूल सिटी में। ज़्यादा करके मैं क्विक मैचेस में ही उतरता था, वरना मैं कभी जॉर्जो पूल सिटी में आया नहीं हूँ। मैं नॉर्मल हॉट ड्रॉप्स में जाता था कोई। यार आज पता नहीं क्यों मेरे टीम मैच ने जॉर्जो पूल सिटी उतार दिया। जैसे ये भी हॉट ड्रॉप में उतरते ज़्यादा, मगर आज पता नहीं क्यों जॉर्जो पूल सिटी उतार दिया। ठीक है, तो कुछ देर बाद इस घर में मतलब लूट के लिए मारा मारी चल रही थी एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो? एक लूट के लिए लफड़े एक दूसरे को नेट से मारा जा रहा था, मगर इतने में एक बॉट आकर मुझे खुद की तरफ आकर्षित कर लेता है। और ये बंदा मतलब बच गया भाई। बॉट ने अगर बुलाया नहीं होता तो इसने मुझे मौली भी कर दी होती। तो उस बॉट को मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ गाड़ी की तलाश में, और मेरे साथ मेरा एक बंदा भी आ जाता है, क्योंकि अगर शायद सही कोई स्क्वाड मिल गए तो हम पेल दें। और रास्ते में मुझे एक बॉट एक और मिल जाता है, तो इसे भी पेल देते हैं। अब मुझे पता नहीं यार उसको लास्ट की गोली कैसे लगी, लेकिन मैंने कर दिया उसको भी की। तो फिलहाल जब मैं उस बॉट को लूटने जा रहा था, हमें गाड़ी भी मिल जाती है और गाड़ी के साथ बंदे भी मिल जाते। अब पता नहीं यार बंदे क्यों आए थे, आई हैव नो आइडिया। बंदों ने एक गोली भी नहीं चलाई और मेरे टीममेट ने उसको मार दिया। देखो कैसे ओके। तो मेरा जब टीममेट इसको मार देता है, तो कुछ देर तक हम सब लूट रहे होते हैं, क्योंकि यार ज़्यादा अच्छी कुछ लूट होती तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि मतलब इधर कुछ ज़्यादा हमने लूटा नहीं था, सिर्फ SMGs ही मिली थी मुझे। और इतने में उस बंदे के टीममेट्स आ जाते हैं और देखो इन्हें कैसे करते हैं। बस पता नहीं यार बगी थी इसके लिए, ये दो ही बंदे आए थे, बाकी का इसका आखिरी बंदा कहाँ पे था वी हैड नो आइडिया। फिलहाल मेरे टीममेट्स मुझे छोड़कर भाग जाते हैं, और यहाँ पर मैं तब तक एक बॉट मार लेता हूँ जब तक कि वो मुझे लेने आ गए और बस आ गए। तो कुछ देर बाद हम आ जाते हैं गटका में, और बस देखो यहाँ पर क्या लफड़े हो जाते हैं। जो हमारा टीममेट होता है वही हमारे दूसरे टीममेट को मार देता है। अब इसी बंदे ने इसके पिछले वाले मैच में भी हमारे दूसरे टीममेट को मारा था, जिसका 2 नंबर है। तो ये पता नहीं क्यों रिवाइव करने को नहीं बोलता इसे, और यही टाइम पे 4 नंबर गया होता है छोटे से ब्रेक पे, और हम लेते हैं उसके मजे भाई। देखो बस अरे बिकार अन्न हो रही बाब जाना, कौन नॉक केलो मला, कौन नॉक केलो? प्रेस प्रेस। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खैर ये सब तो हर किसी के स्क्वाड में चलता ही रहता है। तो कुछ देर बाद हम गाड़ी लेकर निकल जाते हैं बंदूक की तलाश में, और पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो प्लेन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से जा रहा होता है, तो हमें आवाज़ आ जाता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ड्रॉप हमारा नज़दीक है क्या नहीं, और सच में ड्रॉप हमारा नज़दीक होता है। तो मैं हर किसी को बैठने बोल, एक नंबर को छोड़ के सब बैठ जाते हैं, और अगर एक नंबर हमारे साथ आता तो शायद से 4 नंबर बच जाता, मगर पता नहीं क्यों बैठता नहीं है हमारे साथ। और हम निकल जाते हैं गाड़ी लेकर। तो हम जो है इस घर में वेट कर रहे होते हैं और बंदे आने की, और मतलब ताकि हम उन्हें मार सके। ड्रॉप लूटने आते हैं यार, बहुत बंदे आते हैं, तो हम वेट कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर हम बंदे मारते भी है बहुत ज़्यादा। बस देखो अब जो ये स्क्वाड आई थी, इनमें से एक भी बंदा मैं नहीं मार पाता। हालांकि मैं अपना पूरा 100 एमो वेस्ट कर देता हूँ इन पर,
अपने टीममेट का किल कंफर्म करने के लिए, मगर फिर भी मुझे एक भी बंदे का किल नहीं मिलता है। अब आप सोच रहे होगे गिली सूट वाले को तो तू ही पीछा कर रहा है, बस देखो ऊपर जाने के बाद उसका क्या होता है। देखा इसका भी किल चोरी हो गया। तो अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो ये सब तो होता ही रहता है यार। तो जैसे हम लूट रहे होते हैं इन सब की क्रेट, इतने में और बंदे आ जाते हैं और चार नंबर को फिर से नॉक कर देते हैं। और इस बार तो चार नंबर गया, मतलब समझो ऐसे ही गया, क्योंकि मतलब इसकी हेल्थ बहुत जल्दी जा रही है इस बार तो। और अगर वो मस्ती हमने नहीं करी होती तो इस बार उसकी हेल्थ थोड़ी धीरे जाती थी। तो ये मतलब मुझे ऐसी आदत है ना यार कि कोई भी बंदे को अगर मैं डैमेज दे रहा हूँ, अगर वो कवर में चला गया तो मैं फटाक से रिलोड कर लेता हूँ, वहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब मुझे तो पता नहीं था कि यार दो नंबर नॉक भी हुआ है, और चार नंबर जब मरता है और इन दोनों को जब मैं मारता हूँ तब मुझे बोलता है यार कि रिवाइव दे दे, क्या कर रहा है तू। तब जाकर मुझे मालूम पड़ता है दो नंबर नॉक है, तो इसलिए दे देते यार रिवाइव। और यहाँ पर अब टीमें खाली हो चुकी है, मगर पता नहीं कैसे एक बंदा कैंप करके बैठा है कुप्चे में, वो तो आपको बाद में देखने मिलेगा। और उसको मारने भी मैं जाता हूँ, बस देखो। तो अरे इन कैंपर्स को मैं क्या ही कहूँ, अगर आप अपनी स्क्वाड भी पूरी कॉलोनी में घुमा लो फिर भी ये हिलने का नाम नहीं लेते एक जगह से। और जब भी आप निकलो गाड़ी लेके ऐसे ऐसे शॉट मारेंगे ना भाई, मतलब पता भी नहीं चलेगा यार। तो कुछ देर बाद मेरा टीममेट मुझे उठा लेता है, और बस देखना खुद तो आगे चले जाता है। और इसका फ़ायदा मुझे होता है, क्योंकि वो जिस जगह टीपीपी ले रहा होता है तो सामने वाले को मतलब कहीं और टीपीपी लेने का मौका ही नहीं मिलता, और इस वजह से मैं इसको इस साइड से आके ठोक देता हूँ। समझ रहे हो आप? तो कुछ देर बाद मुझे दूर से ही एक गाड़ी दिख जाती है, और मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ पर कैंपर्स बैठे हुए हैं। तो मैं अपने टीममेट्स को अलर्ट कर देता हूँ और हम जाके बैठ जाते हैं। मगर मुझे इतना नहीं मालूम होता है कि उन कैंपर्स के अलावा कुछ और भी कैंपर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से हमारा गेम का वहाँ पर एंड हो जाता है, लेकिन फिर भी हम एक बंदा तो पेल ही देते हैं उनका, बस देखना। तो अब बस देखना, मुझे पता चल जाता है कि भाई इसके टीममेट्स तो अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं चल से जाता हूँ, एक स्नाइपर शॉट पड़ता है मुझे, और यहाँ पर कोई ना कोई तो नेड कर देता है। और इस एनिमी के एक ग्रोजा के स्प्रे में भाई मैं पिल जाता हूँ, क्योंकि मेरी पहले से ही 1 HP हो रखी होती है। अगर से मुझे स्नाइपर शॉट नहीं पड़ता तो यार मैं सिचुएशन संभाल भी लेता था, मगर क्या ही करता अब, क्योंकि पहले तो ग्रेनेड से दो बंदे नॉक, फिर स्नाइपर शॉट ऊपर से इसका ग्रोजा का स्प्रे, इतना सब मैं डैमेज पड़ी गया और मैं नॉक मतलब किल हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा तो यार लाइक कर देना, बताना कमेंट में कैसा लगा ये गेम प्ले, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए, घंटा बजा देना वीडियो आते सबसे पहले देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।